तो किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटाने की परमिशन जरूर दे दी है, लेकिन राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में हरियाणा पुलिस की ओर से ना तो अभी परमिशन मिली है ना ही बैरिकेड हटाने की कोई बात सामने आई है। इसको लेकर हरियाणा पुलिस के बावल डीएसपी राजेश चेट्टी से बात की हमारे संवाददाता लोकेश भारद्वाज ने। मौजूदा हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर यहाँ पर पिछले लगभग 1 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर पुलिसिंग की व्यवस्था जो बावड़ के डीएसपी है राजेश चेची जी, हरियाणा पुलिस के बावड़ डीएसपी राजेश चेची जी, उन्होंने व्यवस्था संभाल रखी है। तो हम उनसे बात करेंगे कि 26 जनवरी को जहाँ किसान परेड में शामिल होने की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है और अभी तक हरियाणा पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, तो उसके ऊपर सर आपका क्या कहना है? सब आज हरियाणा के हमारे जिसमें मीटिंग चल रही है और किसान नेता भी वहाँ गए तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन सर अभी तक हरियाणा पुलिस ने तो परमिशन नहीं दी है शायद कि परेड में यहाँ से किसान ट्रैक्टर में शामिल हों, और किसानों का यह कहना है कि अगर हमें बैरिकेड तोड़ कर भी जाना पड़ेगा तो हम शामिल होने के लिए तैयार हैं और अगर बैरिकेड तोड़ने पड़ेगा तो हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी किसान नेताओं से कि आपस में जैसे ठीक म्यूचुअल बातचीत करके समाधान जिस तरह से निकलता है कानूनी तरीके से अगर काम अच्छा है, क्योंकि कानून तोड़ना तो गैरकानूनी है और मेरे को विश्वास है कि उधर बहुत ही मैच्योर और बहुत अच्छे जो है ना नागरिक और नेता जो हैं तो वो कानून तोड़ने वाली बात प्रयास नहीं है। लेकिन सर अगर फिर भी अगर किसान ऐसा करते हैं तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? सीनियर ऑफिसर इस तरह की डायरेक्शन देंगे क्या काम होगा, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो पुलिस बल और वैसे सारी चीज़ें लाइन ऑर्डर सिचुएशन को ठीक से हल करने के लिए, बाकी तो जो अधिकारियों का आदेश होगा उस हिसाब से। धन्यवाद। ये थे राजेश चेची हरियाणा पुलिस के डीएसपी बावल, जो फिलहाल डीएसपी हैं वो यहाँ पे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर यहाँ पर शुरू से काम संभाले हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो अधिकारी जैसे इनको आदेश देंगे वैसा ये कार्य करेंगे। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से इंडिया न्यूज़ के लिए लोकेश भारद्वाज।